Welcome in my English virtual class. I am Mr. D.C. Kosle. Today we will study about past simple or indefinite tense. What about we will study today? Past simple or indefinite tense. Samanya bhutkal. Past simple or indefinite tense. Samanya bhutkal. Isko सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ऐसी कोई घटना, कोई बात जो भूतकाल में सामान्य अर्थों में लिखी जाए, सामान्य रूप से लिखी जाए, तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस होता है। चलिए यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे हुए हैं एग्जांपल के तौर पे, उनको देखते हैं, समझ में आती जाएगी इसमें कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, करते भी हैं कि नहीं, और वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, सारी चीज़ें जो है आगे क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहला सेंटेंस है, वी वेंट टू स्कूल। यहाँ पर गो का वेंट को किया गया है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया। तो देखिए, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, यानी कि भूत की बात है, जाते थे सामान्य अर्थ में, तो हम स्कूल जाते थे, went to school। दूसरा है, राम ate roots in the forest। राम जंगल में कंदमूल खाते थे, राम जंगल में कंदमूल खाते थे। राम ate होगा, eat का ate, राम ate roots in the forest। तीसरा है, she worked hard to pass। वो पास होने के लिए कठोर मेहनत करती थी, कठोर परिश्रम करती थी, यानी कि अभी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और नंबर, आई गॉट ए रिवार्ड लास्ट ईयर। अंतिम साल मुझको इनाम मिला था, मुझको अंतिम साल इनाम मिला था, आई गॉट रिवार्ड लास्ट ईयर। देख लीजिए चार सेंटेंस हैं यहाँ पर, चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। पहले सब्जेक्ट है सभी चारों सेंटेंसेस में, देख लीजिए वी राम सी आई, पहले सब्जेक्ट। वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, देख लीजिए वेंट एट वर्कड रिवार्डेड, ये रिवार्डेड होगा। अच्छा, ये आई गॉट, गेट का गॉट, तो देख लीजिए went go का है सेकेंड फॉर्म, eat का ate, work का word और get का got। देख लीजिए चारों वाक्यों में verb का कौन सा फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उनका। ये असर्टिव सेंटेंस के वाक्य हैं, असर्टिव सेंटेंस में ये लिखा गया है, सामान्य वाक्य लिखे गए हैं। अब इनका अगर हमको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है, तब थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या बदलेगा, देख लीजिए, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डिड को वाक्य के सामने ला करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक बात और ध्यान रखेंगे, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि डू का डिड पहले से सेकेंड फॉर्म हम डाल रहे हैं। तो यहाँ जो सेकेंड फॉर्म है, एट वेंट वर्कड गॉट, इनको फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। देख लीजिए निगेटिव, We did not go to school। देख लीजिए did not का प्रयोग किया गया है, लेकिन went का क्या कर दिया है, go, यानी कि जो सेकेंड फॉर्म में था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फर्स्ट फॉर्म में, कौन से सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में। We did not go to school, हम स्कूल नहीं जाते थे। दूसरा, Ram did not eat roots in the forest। देख लीजिए ate का eat, जो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म था उसको हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ सहायक क्रिया किसका लगाया, डिड नॉट। तो राम जंगल में कंदमूल नहीं खाते थे या खाता था, देख लीजिए इन दोनों का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, देख लीजिए वी राम, पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर मेन है। अगर आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म करना है, फर्स्ट फॉर्म का, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय, कौन से टेंस के सेंटेंस को, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को। नेक्स्ट,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन को कन्वर्ट करना है तो देखिए, डिड वी गो टू स्कूल, डिड को सामने ला दिए, बाकी जैसे तैसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम स्कूल जाते थे, डिड वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते थे। डिड राम ईट रूट्स इन द फॉरेस्ट, डिड राम ईट रूट्स इन द फॉरेस्ट, क्या राम जंगल में कंदमूल खाते थे, क्या जंगल में राम कंदमूल खाते थे। क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क में पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डिड, फिर बाकी जैसे तैसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उसी का देखिए, डिड वी नॉट गो टू स्कूल, देख लीजिए डिड वी नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों अगर बनाना है तो डिड तो सामने में रहेगा, नॉट और लग जाएगा, तो किसके बाद, किसके बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो देख लीजिए, डिड वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे, डिड राम नॉट ईट रूट्स इन द फॉरेस्ट, क्या राम जंगल में कंदमूल नहीं खाते थे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, देख लीजिए डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए फिर ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में क्वेश्चन। इस तरह से इनका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हमने बना डाला। दो वाक्य जो बच गए हैं कौन वाला, सी वर्क हार्ड और आई गॉट ए रिवार्ड, इन दोनों वाक्यों का आपका होमवर्क है, इन दोनों वाक्यों को आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बॉट में कन्वर्ट करके दिखाना है, सेंड टू टीचर, ये करना है cgschool.in। चलिए होमवर्क भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मेक निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द रेस्ट सेंटेंसेस रिटर्न, जो लिखे गए सेंटेंसेस हैं उनमें से जो बच गया है उनका ही आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।